हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे आज बच्चे हम लोग स्टैट्स वन के चैप्टर वन के असाइनमेंट के थर्ड क्लास में हैं और आज हम लोग डिस्पर्शन का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से स्टार्ट करेंगे लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक डाउट अभी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्लास वन में आपने जो फिफ्टीन का बी कराया था आप लोगों को याद नहीं होगा तो एक बार स्क्रॉल बैक मुझे करना पड़ेगा क्लास वन तक जाना पड़ेगा ये रहा क्लास वन का फिफ्टीन का बी क्वेश्चन बच्चे आपको बता दें तो आपको समझने में आसानी होगी एक बार ध्यान से सुनो फिफ्टीन का बी ये था अ फंड इज इज टू बी एंड इट डिसाइडेड दैट वर्कर्स गेटिंग लेस देन रुपीज शुड कॉन्ट्रीब्यूट फाइव परसेंट ऑफ देयर वेजेस तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि इनसे जो छोटे हैं मतलब ट्वेल्व थाउजेंड इसी में आ जाएगा ना कहीं यहाँ तक आ रहा है ये रात ट्वेल्व हंड्रेड लेकिन इसमें ऐसे वाला था तो यहाँ पे भी डबल जीरो होगा जो कि लिखा नहीं गया स्केलिंग कर दिया गया है दिस इज ट्वेल्व थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड तक का वेजेस के लिए इतना देखना पड़ेगा क्लास और ट्वेल्व थाउजेंड से ऊपर के लिए इतना देखना पड़ेगा तो आपको करना क्या है कि एफ़ इंटू एक्स निकाल देना है एफ इंटू एक्स निकाल देना है एक्स आपने निकाला हुआ है नहीं निकाला है ना मिडिल वैल्यू फिफ्टी टू एटी का कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी फाइव एट एटी टू हंड्रेड का नाइन्टी दो दो का गैप नहीं है ना गैप इज़ नॉट इक्वल गैप अनइक्वल है गैप अनइक्वल है तो दस दस के गैप में ब्रेक कर दो ध्यान से सुनो मेरी बात तो दो पार्ट में आप ब्रेक करोगे पहले हम लेस देन ट्वेल्व थाउजेंड का बना रहे हैं क्लास फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी ये जो थर्टी है इसको टेन 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 में डिवाइड कर देंगे क्लियर अब एटी टू हंड्रेड में है वन ट्वेंटी सेवन एटी टू नाइन्टी में वन ट्वेंटी सेवन का हाफ़ कर देंगे कितना आ जाएगा वन वन ट्वेंटी का सिक्सटी तो सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव यही आएगा ना फिर नाइन्टी टू हंड्रेड में कितना आ जाएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ये तो दस का ही है ये भी टेन का ही गैप है हंड्रेड टू हंड्रेड टेन वन फोर्टी फिर हंड्रेड टेन टू हंड्रेड ट्वेंटी कितना आ गया टू फोर्टी ये फ्रीक्वेंसी है ये है वेजेस वेजेस यहाँ है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा फ्रीक्वेंसी का नहीं जाएगा अगर आपने फ्रीक्वेंसी समझ लिया तो वो गल गलत है क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को नहीं बोला था फाइव परसेंट से वेजेस मतलब इतने से इतने के बीच में फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो वेजेस है आप टोटल वेजेस कितना हो जाएगा एफ़ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स अभी एक्स निकाला ही नहीं रुक जाओ अब आप एक्स निकालो तो फिफ्टी और सिक्सटी के बीच का कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एटी फाइव नाइन्टी फाइव हंड्रेड फाइव फिर हंड्रेड फिफ्टीन फिर एफ इंटू एक्स कर दोगे फिर सबका सम कर दोगे तो ये जो है समेसन एफेक्ट दिस इज टोटल सम ऑफ ऑल दजेस टिल ट्वेल्व थाउजेंड इसका फिर हम फाइव परसेंट कर देंगे समझ में आ गई बात फाइव परसेंट इन टू दिस वन समेन एफेक्ट्स उसी तरीके से आगे का भी हम लोग सॉल्व करेंगे वन ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फिफ्टी इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इसको तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर उसी तरीके से निकाल लेंगे क्लियर बच्चे आगे ही बात समझ में एफेक्ट्स करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा अब चलते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे इस पर्शन का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फॉर टू ऑब्जर्वेशन्स ए एंड बी फॉर टू ऑब्जर्वेशन्स ए एंड बी शो डैट स्टैंडर्डेशन दो ही हैं हमारे पास ए और बी है ए बी शो डैट द स्टैंडर्डेशन इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम हमें शो करना है द स्टैंडर्डेशन इज गल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी ए माइनस बी का डिस्टेंस मॉड ऑफ ए माइनस बी से रिप्रेजेंट होगा अपॉइन्टमी टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी देखे जरा ये आ गया एक्स का ए और बी अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सम करेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर समेशन एक्स कितना हो जाएगा ए प्लस बी तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है रूट अंडर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस माइनसन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर दिस इज इज इक्वल टू रूट अंडर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में टू माइनस समीशन एक्स ए प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर समझ में आ रही है बात अब इसको जब आप खोलोगे तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू माइनस अच्छा हाँ नहीं पूरा तो ओपन करना ही पड़ेगा बाई फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे ये आ गया फोर टू टू जहाँ फोर तो टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कितना हो गया टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर दिस इज रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन फोर अब आपको एक चीज बता दें रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो अब अब आप लोग आगे से मॉड एक्स लिखोगे क्या लिखोगे x. ठीक है उसे कन्फर्म हो जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी नेगेटिव हमें नहीं लेना है फिर वही कॉन्सेप्ट एम एम ई वाला कि जब पहले से रूट लगा करके दिया हुआ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के बाहर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए मॉड एक्स ही लगा देते हैं ये मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू आने के हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम समझ में आ गई बात नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये तो हमने क्लास में किया हुआ है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में कहा मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड एवेशन में एंड हेंस डिड्यूस कहा है एक्स इजिकल टू वन टू थ्री से लेकर के टेन तक के लिए डिड्यूस करने के लिए तो आपने जो स्टैंडर्ड एवेशन का फॉर्मूला निकाला है रूट अंडर क्या फॉर्मूला था कुछ याद है हाँ तो इसमें देखना वन से लेकर के टेन तक ना कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज है कोई भी मिसिंग नहीं है तो यहाँ पर एन की जगह पे हम लोग टेन डाल देंगे टेन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व हंड्रेड माइनस वन यानी नाइन्टी नाइन बाई ट्वेल्व सॉल्व कर दोगे आ जाएगा स्टैंडर्ड एविशन कितना आएगा नाइन्टी नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एट पॉइंट टू फाइव उसका अंडर रूट लेंगे टू पॉइंट एट सेवन टू टू एट आपके बच्चे रीडिंग में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमें डेसिमल के थ्री प्लेसेस तक राउंड ऑफ़ करना है एट सेवन टू के बाद टू आ रहा है तो एट सेवन टू ही लिख देंगे बस थ्री प्लेसेस तक लिखना है

मीन कितना दे रखा है 17 स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कितना दे रखा है थर्टी थ्री बाद में पता चला कि ट्वेंटी सिक्स को ना रिमूव कर देना है ट्वेंटी सिक्स को रिमूव कर देना है तो मुझे बताओ ओल्ड समेशन एक्स क्या आ जाएगा मीन इंटू एन यानी 17 इंटू टेन कितना आ गया वन सेवेंटी सेवेंटीन इंटू टेन कितना आ गया वन सेवेंटी ओल्ड समेशन एक्स न्यू समेशन एक्स जब निकालेंगे तो ओल्ड में से माइनस कर देंगे किसको 26 को अब कुछ प्लस नहीं करना क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का केस नहीं है ये किसका केस है रिमूवल का केस है तो 170 सेवेंटी माइनस ट्वेंटी जरा करना 170 सेवेंटी माइनस ट्वेंटी सिक्स तो न्यू मीन कितना आ जाएगा कितना अब नंबर हो जाएगा नंबर भी तो एक से कम जाएगा ना नाइन सिक्सटीन होता है ना शायद शायदीन आ गया अब स्टैंडर्ड डिविशन का भी बच्चे आपको हैबिट डालना पड़ेगा धीरे धीरे मीन का तो आसान होता है स्टैंडर्ड डिविशन का देखो स्टैंडर्ड डिविशन का स्क्वायर दे रखा है थर्टी थ्री फॉर्मूला याद है आपको समेशन ऑफ स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डिशन का उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी थ्री सब कुछ अभी ओल्ड वाला ही चल रहा है ओल्ड 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 समेशन एक्स स्क्वायर ही हमें नहीं पता है ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गया समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई एन ओल्ड कितना था टेन माइनस समेशन एक्स बाई एन पुराना वाला मीन कितना था सेवनटीन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू थर्टी थ्री समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड कितना आ जाएगा थर्टी थ्री प्लस सेवनटीन का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, टू एटी नाइन प्लस थर्टी थ्री इंटू टेन टू एटी नाइन प्लस थर्टी थ्री थ्री ट्वेंटी टू इंटू टेन दिस इज थ्री टू टू ज़ीरो अब समीशन एक्स स्क्वायर हम लोग न्यू वाला निकालेंगे क्या निकालेंगे न्यू वाला थ्री टू टू जीरो में से ट्वेंटी सिक्स जाएगा लेकिन किस फॉर्म में रिमूव करेंगे ये जो 26 था पहले जब हमने दस ऑब्जर्वेशन लिया था तो उसमें ट्वेंटी सिक्स अपने स्क्वायर फॉर्म में था अब ट्वेंटी सिक्स को हटाएंगे तो उसी फॉर्म में हटाना पड़ेगा ना ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर थ्री थ्री टू जीरो माइनस ब्रैकेट में ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर दिस इज टू फाइव फोर फोर न्यू वाला अब आप न्यू स्टैंडर्ड एविशन निकाल दो हमला क्या बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर न्यू बाई नाइन माइनस समेशन एक्स न्यू बाई नाइन का होल स्क्वायर तो दिस इज रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर न्यू इज़ टू फाइव फोर फोर बाई नाइन माइनस समेशन एक्स बाई नाइन न्यू न्यू वाला कितना है न्यू मीन बच्चे हमारा सिक्सटीन आ गया था यहाँ पर होल का डाल देंगे टू फाइव फोर फोर को पहले नाइन से डिवाइड करो तो ये आ रहा है दिस वन तो फिर उसका भी ले लो फाइव पॉइंट वन सिक्स दिस इज योर न्यू स्टैंडर्ड डिविजन क्लियर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 तो करेक्शन और ये सब वाला पे भी ध्यान दोगे इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जो शुरुआत का जो 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा ना उसमें पांच पार्ट होंगे ए बी सी डी ई कोई एक पार्ट में दे देगा फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिविशन ऐसे कुछ दे देगा कहीं पर भी एटीन देखो द टेस्ट स्कोर ऑफ अ सैंपल ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स हैव अ सीमेट्रिक माउंडेड डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन स्कोर ऑफ मीन स्कोर कितना है फाइव सेवेंटी स्टैंडर्ड डिविजन कितना है सेवेंटी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्कोर्स आर बिटवीन फोर थर्टी एंड सेवन हंड्रेड टेन तो आपको बताना है कि फोर थर्टी और सेवन हंड्रेड टेन के बीच में कितना होगा मीन कितना है फाइव सेवेंटी हम लोग फोर थर्टी से सेवन हंड्रेड टेन तक जा रहे हैं तो बताओ तो ये गैप कितना है ये गैप कितना है तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन की याद है नाइन्टी फाइव परसेंट वाला नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट वाला उसी प्रॉपर्टी के तहत आपको ये पता लगाना है कि ये कितना होगा स्टैंडर्ड डिविशन सेवेंटी है ना फाइव सेवेंटी में से अगर एक बार माइनस करोगे तो सेवेंटी एक बार और माइनस कर दोगे तो फोर थर्टी मतलब दिस इज मीन माइनस टू स्टैंडर्ड डिविशन यही आपको समझना है और ये क्या है मीन प्लस टू स्टैंडर्डिवियशन अब मुझे बता दें आप लोग कि मीन माइनस टू स्टैंडर्ड डिशन से मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डिवीजन में कितना परसेंटेज डेटा कवर अप होता है 95.45 परसेंट या 95 परसेंट ही रफली लिख देते हैं उसी तरीके से दूसरा जो है वो है थ्री सिक्सटी अब आप लोग मुझे बताएं कि ये कितना दूर पे है फाइव सेवेंटी से थ्री सिक्सटी कितना टाइम्स है स्टैंडर्ड डिवियशन का थ्री स्टैंडर्ड डिविशन माइनस हो रहा है हाँ तो दिस इज फाइव सेवेंटी माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविजन दिस इज फाइव सेवेंटी प्लस थ्री स्टैंडर्ड डिविशन तो थ्री स्टैंडर्ड डिविजन में तो लगभग पूरा ही डेटा कवर अप हो जाता है नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट तो ये भी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन था बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का ये आ गया समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द मीन्स ऑफ टू सैम्पल ऑफ साइजेस फिफ्टी एंड हंड्रेड रिस्पेक्टिवली आर एक का एम है फिफ्टी एक का एन है हंड्रेड इसका मीन है फिफ्टी फोर पॉइंट वन इसका मीन है फिफ्टी पॉइंट थ्री एंड द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन आर एट स्टैंडर्डिशन कितना है सेवन ऑप्टेन दविशन ऑफ द सैंपल ऑफ साइज वन फिफ्टी ऑफ टेन बाई अच्छा मैंने आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन कराया था क्लास में नहीं ना अच्छा ठीक है तो ये बच्चे बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये मैंने आ, उसमें नहीं कराया था कॉन्सेप्ट में जैसे पहले के कॉन्सेप्ट के क्लासेस में कराते थे आप लोगों को शायद मिस हो गया होगा कोई बात नहीं असाइनमेंट में तो क्वेश्चन आ गया तो हो ही जाएगा देखो कंबाइन में क्या करते हैं ये एक ग्रुप है ये एक ग्रुप है कंबाइन स्टैंडर्ड एविशन को ऐसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला हो जाता है एन वन सिगमा वन स्क्वा प्लस एन टू सिगमा टू स्क्वायर प्लस एन वन वन स्क्वायर प्लस एन टू डी टू स्क्न में N1 N2. अब आपको बाकी सब तो चीजें ठीक है ये डी वन और डी टू क्या है यही पे आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा ना कि ये तो कहीं नहीं दिख रहा तो देखो डी वन जो है ये आ जाता है mean का कंबाइंड मीन से डिफरेंस और डी टू आ जाता है सेकेंड मीन का कंबाइंड मीन से डिफरेंस जरा आप लोग मुझे बताएं कि ये तो मैंने आपको बता दिया टेक्निक अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं हम लोग तो मुझे बताओ कंबाइंड मीन कितना आएगा पहला वाला नंबर एन वन एन टू ही कर देते हैं जब सब कुछ वन और टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन वन एन टू तो देखना एन वन इन टू एक्स वन बार प्लस एन टू इंटू एक्स टू बार अपॉन में एन वन प्लस एन टू यही होता है ना फॉर्मूला एन वन कितना है फिफ्टी टू एक्स टू बार एक्स एक्स वन बारिस फिफ्टी फोर पॉइंट वन प्लस एन टू इज़ हंड्रेड एक्स टू बारिस फिफ्टी पॉइंट थ्री अपॉन में आ जाएगा दोनों का सम फिफ्टी प्लस हंड्रेड कितना आ गया ज़रा निकालना फिफ्टी इंटू फिफ्टी फोर पॉइंट वन प्लस हंड्रेड इंटू फिफ्टी पॉइंट थ्री डिवाइडेड विथ वन फिफ्टी आ गया फिफ्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स कंबाइंड मीन आ गया अब डी वन जब निकालोगे तो कंबाइंड मीन से डिफ्रेंस निकालोगे फर्स्ट मीन का फिफ्टी फोर पॉइंट वन का और डी टू जब निकालोगे तो सेकेंड मीन का फिफ्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स सेवन ना सेकेंड मीन कितना है फिफ्टी पॉइंट थ्री है निकाल लो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स सेवन माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट वन दिस इज टू पॉइंट फाइव थ्री थ्री डी टू आ जाएगा फिफ्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स सेवन माइनस फिफ्टी पॉइंट थ्री दिस इज वन पॉइंट टू सिक्स सिक्स सेवन डी वन और डी टू देखना जरा D1 डी वन और डी टू की वैल्यू आ गई कोई कुछ पूछ रहा है बच्चे अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है सिग्मा वन टू इज इक्वल टू रूट अंडर एन वन एन वन कितना है हंड्रेड ना या फिफ्टी फिफ्टी है फिफ्टी इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले का एट है दूसरे वाले का सेवन है फॉर्मूला दिख रहा है आपको हाँ तो एट का स्क्वायर प्लस एन टू हो गया हंड्रेड इंटू सेवन का स्क्वायर प्लस एन वन हो गया फिफ्टी इंटू डी वन का स्क्वायर टू पॉइंट फाइव थ्री थ्री का होल स्क्वायर प्लस एन टू कितना हो गया हंड्रेड इंटू डी टू का स्क्वायर वन पॉइंट टू सिक्स सेवन का होल स्क्वायर नीचे में फिफ्टी प्लस हंड्रेड इस पूरे को आप अपना सॉल्व कर लोगे आपका कंबाइन स्टैंडर्ड डिविशन आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव क्लियर बच्चे तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लास में रह गया था बताना तो इसको आप लोग नोट कर लें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ठीक है अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइंड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ये भी बढ़िया है, है कितना अच्छा चौबीस तक ही है ठीक है इस इस टॉपिक में चौबीस तक है उसके बाद से फिर स्क्यूनेस का टोसिस का स्टार्ट हो जाएगा मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग इसमें दे रखा है बच्चे हमें नंबर स्टैंडर्डाइविएशन मीन ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप, टू, ग्रुप, टू, ग्रुप Combined. ध्यान से देखो फिफ्टी सिक्स वन वन थ्री क्वेश्चन मार्क सेवन क्वेश्चन मार्क नाइन्टी क्वेश्चन मार्क वन हंड्रेड फिफ्टीन टू हंड्रेड क्वेश्चन मार्क की जगह पे ना खाली छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे 200, हंड्रेड ठीक है अब हमें सारी वैल्यूज निकालनी है हम आपकी इस सहूलियत के लिए x, y और z मान लेते हैं अब आप लोग बताओ x की वैल्यू कैसे आएगी बहुत इजी है 50 प्लस एक्स प्लस नाइन्टी ये कितना हो जाएगा 200. इन तीनों का सम 200 नहीं होगा कंबाइंड है तो नंबर ही तो है पहले में पचास है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स कितना आ गया नाइन फाइव फॉर्टीन तो सिक्सटी बच गया यहाँ पर डाल देंगे सिक्सटी स्टैंडर्डिवेशन तो इतनी आसानी से नहीं आएगा पहले हमें मीन चाहिए तो पहले मीन वाला निकल जाएगा ये देखो ग्रुप वन ग्रुप टू का गायब है ग्रुप थ्री का देवर कंबाइंड मीन हमें पता है तो कंबाइंड मीन के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस एन थ्री एक्स थ्री बार अपॉन में एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री तो एक्स वन टी एक्स वन टू थ्री बार कितना आ गया हंड्रेड सिक्सटीन एन वन यहाँ से देखो एक्स वन बार यहाँ से देखो एन टू यहाँ से देखो एक्स टू बार गायब है एन थ्री यहाँ से देखो एक्स थ्री बार यहाँ से देखो जो एन टू बार गायब है वो आ जाएगा तो देखो तो एन वन कितना हो गया फिफ्टी एन टू वन वन थ्री प्लस सिक्सटी इंटू वाई प्लस नाइन्टी इंटू हंड्रेड फिफ्टीन अपन में क्या आ गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री टू हंड्रेड वाई नहीं निकल जाएगा यहाँ से वाई आ जाएगा वाई आ जाएगा आपका सिक्स वन ट्वेंटी यहाँ पर आप डाल दोगे वन ट्वेंटी अब ये स्टैंडर्ड एविशन चाहिए तो थ्री का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन क्या होता है वो देखो जरा सिग्मा वन टू थ्री इज इक्वल टू रूट अंडर अब और भी बड़ा हो गया एन वन इंटू सिगमा वन स्क्वायर प्लस एन टू इंटू सिगमा टू स्क्वायर प्लस एन थ्री इंटू सिगमा थ्री स्क्वायर प्लस एन वन इंटू डी वन स्क्वायर प्लस एन टू इंटू डी टू स्क्वायर प्लस एन थ्री इंटू डी थ्री स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री तो अब बताए कंबाइंड स्टैंडर्डिविशन कितना दिया हुआ सेवन पॉइंट सेवन फोर सिक्स सेवन पॉइंट सेवन फोर सिक्स रूट अंडर एन वन कितना है फिफ्टी सिक्सटी नाइन्टी फिफ्टी सिक्सटी नाइन्टी फिफ्टी और इधर हो गया सिक्सटी और इधर हो गया नाइन्टी इधर फिफ्टी नाइन्टी पहले वाले में आएगा सिग्मा वन का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर जेड का स्क्वायर यही आएगा ना सिक्स का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर और ये हो गया जेड का स्क्वायर यही अननोन है यही हमें फाइंड आउट करना है अब इधर फिफ्टी में आ, पहले कम्बाइंड मीन से फर्स्ट मीन का गैप कंबाइंड मीन से फर्स्ट मीन का गैप बच्चे डी वन कितना आ गया थ्री इस दोनों के बीच में डी टू कितना आ गया एक सौ बीस और एक सौ सोलह में चार डी थ्री कितना आ गया वन का गैप है समझ में आ गई बात तो फर्स्ट मीन का कंबाइंड मीन से गैप हो गया थ्री सेकेंड मीन का कंबाइंड मीन से गैप हो गया फोर थर्ड मीन का कंबाइंड मीन से गैप हो गया वन थ्री फोर वन थ्री फोर वन थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर वन स्क्वायर नीचे में आ जाएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री तो फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस नाइन्टी अब बच्चे इसमें से इतने सारे वैल्यूज में से एक अननोन है जेड स्क्वायर तो क्या ये नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा ना ये आप लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हो उसकी वैल्यू हम बता देते हैं आपको सिगमा थ्री इज इक्वल टू एट आ जाएगा जेड मतलब जेड इज इक्ल टू इक्वल टू एट क्वेश्चन कॉमेंट करने को कहा है कॉमेंट से मुझे एक स्टोरी याद आ गई शेयर कर देते हैं कॉमेंट वर्ड से मुझे मेरे मैथ्स के टीचर का चेहरा याद आ जाता है हम लोग जैसे मैथ्स के टीचर से पढ़ते थे ना तो उनके यहाँ सौ सौ दो दो सौ बच्चे एक बड़ा सा हॉल होता था बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं हम लोग टीचर से किसी को कोई बात करने की हिम्मत नहीं होती थी टीचर अगर क्लास में एंटर कर गया कोई कुछ नहीं बोलता था वो टीचर आएगा अपना पढ़ाएगा और साइड से गेट होता था वहाँ से चला जाता था तो हम लोग बैठे हुए थे क्लास में तो हम लोगों का बेंच उस दिन जो है वो कैप्चर हो गया बॉयज़ लोगों ने सोचा कि आज गर्ल्स को परेशान करते हैं तो हम लोगों का बेंच उन लोगों ने ले लिया और हम लोगों का सीट मतलब उन लोगों ने क्योंकि कर लिया सबका सीट रहता था कि इस सीट पे यही बैठता है यही बैठता है आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सब लगे कुछ कुछ बॉयज़ लोग कमेंट करने पीछे से हैं 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 मतलब कुछ कुछ बोल रहे थे पूरे क्लास में हम लोगों को टॉर्चर किया क्लास के बाद सर के पास गए हम लोग गर्ल्स लोग कंप्लेन करने तो हम लोगों ने कहा सर बॉयज़ लोगों ने हम लोगों पर कॉमेंट किया वो सर कब भी कुछ नहीं बोलते थे ऐसे नज़र झुका करके हम लोगों से बात कर बोलते हैं क्या Boys, लोगों ने कमेंट किया है अब हम लोग कंप्लेन करने गए थे हम लोग इतने जोर से हंस पड़े ना सर का एक्सप्रेशन देख करके मतलब वही कमेंट वर्ड से याद आ जाता है चलो ब्रेक हो गया दो मिनट का अब वापस आते हैं अपने टॉपिक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना इसलिए ब्रेक लेना जरूरी था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कॉमेंट ऑन दॉलोइंगमेंट ऑन फॉलोइंग फॉर अ सेट ऑफ टेन ऑब्जर्वेशंस एन इज़ इक्वल टू टेन ऑब्जरवेशंस मीन मीन कितना है फाइव स्टैंडर्ड डिविशन कितना है टू टी कितना है सिक्सटी परसेंट इन्होंने जैसे ही वर्ड बोला है कॉमेंट ऑन दी फॉलोइंग कमेंट का मतलब होता है बच्चे कि आप ये बताओ कि डेटा जो है वो करेक्ट है या नहीं इसमें कुछ कहीं रॉन्ग वैल्यूज़ तो एंटर नहीं हो गई है कोई रॉन्ग वैल्यूज तो नहीं चला गया है अब आप कैसे पता लगाओगे तो देखो आपको सीवी का फॉर्मला याद है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू हंड्रेड तो आप सीवी निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन है टू मीन है फाइव इनटू कर दो हंड्रेड फाइव से गया ट्वेंटी कितना आ गया फोर्टी परसेंट तो हम लिखेंगे कि दिस डेटा इज रॉन्ग डेटा क्योंकि सीवी सिक्सटी ना होकर के क्या होना चाहिए फोर्टी यही बस आपको कॉमेंट बोलना है The given data is not feasible. the given data is not appropriate what we have used as as with mean five and standard deviation two, CV must be forty percent.

विजय जो है ना पुराने बुक्स में ये कभी नहीं हटेगा सुभाष जब तक अमिताभ बच्चन रहेंगे यादें रहेंगी विजय नाम रहेगा ही विजय और राहुल दो नाम तो बड़ा कॉमन है राज बॉलीवुड से इंस्पायर्ड सब नेम सब है से हंड्रेड मीन कितना हो गया फिफ्टी फोर्टी एट ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेल्व टू कंसिस्टेंट थ्री बैट्समैन आपको दिए हुए हैं मोर कंसिस्टेंट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं तीनों का क्या निकालेंगे बताओ सीवी सीवी निकालेंगे फर्स्ट का तो मीन अपॉन स्टैंडर्ड एविशन नहीं स्टैंडर्ड एविशन अपॉन मीन फिफ्टी इंटू हंड्रेड यह आ गया थर्टी परसेंट दूसरे का सीवी निकालना ये आ गया ट्वेल्व बाई फोर्टी एट इंटू हंड्रेड मीन स्टैंडर्ड एविशन अपॉन मीन इंटू हंड्रेड होता है ट्वेल्व फोर जा तो ये आ गया ट्वेंटी फाइव परसेंट तीसरे का सीवी कितना आ गया टू बाई ट्वेल्व इन टू हंड्रेड टू बाई सिक्स आ गया सिक्स से करेंगे देंगे सिक्स वन जा सिक्स फोर सिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स सिक्स सेवन परसेंट तो विच इज़ हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ सी वी डैट इज मोस्ट कंसिस्टेंट तो कुमार जो होगा वो क्या होगा मोस्ट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है अपने वैल्यू के आस पास ही है थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है So, वो मोर कंसिस्टेंट कहलाएगा ठीक है तो कुमार इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज आर सेवेंटी फाइव परसेंट एंड नाइन्टी परसेंट सी वी ए दे रखा है कितना सेवेंटी फाइव परसेंट सी वी बी कितना दे रखा है 90% परसेंट एंड देयर स्टैंडर्ड डिशन आर फिड डिशन बी b इक्वल टू एटीन फाइंड देयर मीन्स मीन निकल जाएगा बच्चे ये नहीं बताने वाले हम हमला लगा दोगे टी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिशन बाई मीन इन टू हंड्रेड देखो ना मीन गायब है ये गिवन है ये गिवन है, ये गिवन है तो मीन नहीं निकल जाएगा ये कर लोगे आप अपना इसका भी मीन निकालना है हो जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इफ़ ट्वेंटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी ऑब्जर्वेशन देन सी वी इज ट्वेंटी परसेंट अगर ट्वेंटी हम हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सी वी हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट तो ध्यान दो यानी वाई को ही हम एक्स माइनस ट्वेंटी कर दें एक्स तो की अगर मान लो दस वैल्यूज है तो सब में से ट्वेंटी 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 माइनस होगा तब जाकर के क्या बनेगा वाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ट्वेंटी हमने बना लिया तो कह रहे हैं कि सी जो है ट्वेंटी परसेंट हो गया इसका सी जो है ये ट्वेंटी परसेंट हो गया और अगर फोर्टी इज एडेड अगर वाई में हम एक्स प्लस जेड बना दो जेड वाई हटा दो जेड बना दो जेड इज टू एक्स प्लस फोर्टी कर देते हो तो सी कितना हो जाएगा टेन परसेंट फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड इविशन ऑफ ऑरिजिनल डेटा तो एक्स का मीन और स्टैंडर्ड इविएशन निकालना है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से ध्यान से अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा लें बच्चे देखो तो हमें मीन और स्टैंडर्ड इवेशन निकालना है तो सबसे पहले बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड इविएशन हम वाई मीन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स मीन माइनस ट्वेंटी और जेड मीन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स मीन प्लस फोर्टी तो बच्चे मैथमेटिकल मीन की प्रॉपर्टी से तो हमने वाई मीन इजल टू एक्स मीन माइनस ट्वेंटी कर दिया जेड मीन इजिकल टू एक्स मीन प्लस फोर्टी कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी याद है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ऑरिजिन तो यहाँ पर जो एक्स माइनस ट्वेंटी हो रहा है दैट इज चेंज ऑफ ऑरिजिन और एक्स प्लस फोर्टी भी ये भी चेंज ऑफ ऑरिजिन है ये भी चेंज ऑफ ऑरिजिन है तो इसलिए चेंज ऑफ ऑर्जन से फर्क नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स यहां भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ जेड क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स के इक्वल अब देखना जरा सी बी हमें दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टैंड ऑफ वाई अपॉन वाई मीन इन टू हंड्रेड तो ट्वेंटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई क्या है स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स है और वाई मीन वाई मीन वाई मीन वाई मीन कितना है एक्स मीन माइनस ट्वेंटी इंटू हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट था ना हम्म तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ट्वेंटी बाई हंड्रेड करेंगे क्या ठीक है बच्चे ऐसे ही रहेगा अब दूसरा देखना इधर में सीवी टेन परसेंट दिया हुआ है तो टेन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड कितना है वही है डेविएशन ऑफ जेड अपॉन जेड बार इन टू हंड्रेड टेन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड आ जाएगा डेविएशन ऑफ एक्स नीचे जेड बार आ जाएगा मीन प्लस फोर्टी इन हंड्रेड अब आप मेरी बात ध्यान से सुने जो बता रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन और मीन मेक इक्वेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन और मीन मेक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जरा देखना इधर अगर लेते गए तो ट्वेंटी मीन माइनस फोर हंड्रेड इजल टू हंड्रेड इंटू स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ एक्स यानी ट्वेंटी मीन माइनस हंड्रेड स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर हंड्रेड लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन इसी तरीके से टेन मीन प्लस फोट फोर हंड्रेड हाँ इज इक्वल टू हंड्रेड स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स तो टेन मीन माइनस हंड्रेड स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर हंड्रेड दिस इज सेकेंड इक्वेशन सीधा फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो उससे क्या होगा हंड्रेड ये ये कैंसिल हो गया और ट्वेंटी माइनस टेन कितना आ गया टेन मीन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड एट हंड्रेड आ गया मीन इज इक्वल टू ए मीन की वैल्यू आ गई एटी अब किसी एक में डाल दो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन भी आ जाएगा ठीक है तो ये था बच्चे डिस्पर्शन के सारे क्वेश्चंस हो गए अभी तक हमने दो बड़े बड़े टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए पहला था एवरेजेस दूसरा था डिस्पर्शन तीसरा आप कर रहे हैं बच्चे मोमेंट डिस्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इसके पांच क्वेश्चन है इन पांच क्वेश्चन को आज कर लेंगे अभी करेंगे पांच क्वेश्चन को उसके बाद से ही क्लास खत्म हो गई नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्टोग्राम के क्वेश्चन लेंगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस क्वेश्चन हैं एक क्लास में हो जाएगा ठीक है एक क्लास और लगेगा फिर असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा कल उसके बाद से फिर हम लोग पी पी पे चलेंगे यानी इस वीक में चैप्टर वन पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो so, चलो अब हेडिंग देना आप मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस देखो ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है टॉपिक बस कहीं पे बता दिया हुआ है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली स्क्यूड है लेकिन 2020 और 2021 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन तो आपके सीनियर्स को मैंने पढ़ाया हुआ था तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो कह रहे हैं है, मैम बुक में कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है लेकिन एग्जाम में दे दिया है कि मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है तो पहले डिवोर्स से पहले जो इको ऑनर्स में सिलेबस होता था उसमें क्या क्या अच्छे टॉपिक्स थे मुझे पता है इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने असाइनमेंट में ठीक है तो चलो मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फॉर क्वेश्चन नंबर वन फॉर अ मेजोकर्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेजोकर्टिक है मेजोकर्टिक से हमें किस चीज के बारे में पता लगता है जल्दी बताओ बीटा टू इज इक्वल टू थ्री और स्टैंडर्ड इविशन है फाइव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट निकालना है हमें अबाउट द मीन बहुत ईजी है निकल जाएगा जिसको भी फॉर्मला याद है बीटा टू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर और आपको आइडिया है ना कि म्यू टू क्या होता है वेरियंस याद है या नहीं बार बार लिख करके मैंने समझाया है म्यू टू होता है समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन ऑन एन क्योंकि टू है इसलिए पावर टू लेते हैं और पावर टू वाला मैच कर जाता है वेरिएंस के साथ तो ये आ जाएगा म्यू फोर म्यू फोर तो नहीं पता हमें बीटा टू की जगह पे थ्री डाल देंगे और म्यू टू की जगह पे वेरिएंस डाल देंगे वेरिएंस मतलब फाइव का स्क्वायर म्यू टू हो गया उसका भी स्क्वायर ठीक है तो म्यू फोर इज इक्वाल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री तो ये हो गया एटीन सेवेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फॉर अ प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटिकर्टिक का बीटा टू थ्री से कम होता है और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है थ्री से कम कितना ये हमारा दिमाग नहीं काम करेगा ये तो हमें गिवन होना चाहिए बच्चे टू पॉइंट फाइव दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो पॉइंट एट फाइन द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन हो जाएगा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर हो जाएगा ना 2.5 पॉइंट फाइव इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू हो गया 0.8 का स्क्वायर फिर उसका भी स्क्वायर म्यू फोर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर अ मेजोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7 इज 23 लैंग्वेज को फिर से सुनो मेजोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा टू थ्री हो गया क्लियर दिया हुआ है द फर्स्ट मोमेंट अबाउट सेवन इसका मतलब है ये वन डैश है समेन ऑफ एक्स माइनस सेवन का पावर वन बाई एन इज ट्वेंटी थ्री ये हमें दिया हुआ है ट्वेंटी थ्री एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन इज हंड्रेड यानी एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन एन इज़ हंड्रेड फाइन कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन एंड फोर्थ मोमेंट तो अगर सी निकल जाएगा तो फोर्थ मोमेंट भी आ ही जाएगा आप ध्यान से देखें इस चीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं समेशन एक्स माइनस सेवन बाई एन इक्वल टू ट्वेंटी थ्री मैंने आपको समेशन का रूल बताया हुआ है जब समेशन लगेगा तो समेशन एक्स बाई एन एन पे सेवन पे समेशन लगेगा तो सेवन इन टू एन बाई एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री रूल याद रखो अगर सी एक्स है तो सी बाहर आ जाएगा समेशन एक्स समेशन सी है तो सी के साथ क्या लग जाएगा एन समेशन एक्स बाई एन माइनस सेवन एन बाई एन 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 कैंसिल समेशन एक्स बाई एन इक्वल टू थर्टी ठीक है क्या चाहिए था हमें मीन चाहिए था हाँ ठीक है तो मीन आ गया हमारे पास थर्टी जो कि सीवी में यूज़ हो जाएगा अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी हमें गिवेन है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन इक्वल टू हंड्रेड अब देखो जरा वेरियंस वेरियंस हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर तो वेरियंस 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 हमें निकालना है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन कितना हो गया हंड्रेड माइनस समेन एक्स बाई एन यानी थर्टी का स्क्वायर तो हंड्रेड माइनस अरे यार ये कैसे हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है समेशन ऑफ एक्स थाउजेंड थाउजेंड क्वेश्चन में वही तो मैंने कहा नेगेटिव तो आ नहीं सकता वेरियंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चे ये था थाउजेंड थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड कितना आ गया हंड्रेड तो स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स कितना हो गया टेन क्योंकि वेरियंस क्या होता है स्टैंडर्ड डिशन का स्क्वायर अब आपके पास स्टैंडर्ड एविशन आ चुका है मीन आ चुका है ये और ये ये और ये दोनों आ चुके हैं अब आप सी वी निकाल दो सी वी ही तो पूछा है ना सी वी इज टू स्टैंडर्ड एविशन बाय मीन इंटू हंड्रेड स्टैंडर्ड एविशन कितना है टेन मीन कितना है मीन है टेन इंटू हंड्रेड थर्टी है हाँ हाँ ठीक है ठीक है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आ गया सी और क्या पूछा है फोर्थ मोमेंट तो फोर्थ मोमेंट निकल जाएगा ना बीटा टू तो थ्री दिया ही हुआ है फिर से वही बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर बीटा टू हो गया थ्री म्यू फोर चाहिए म्यू टू तो अभी निकाला है ना हमने म्यू टू म्यू टू म्यू टू इज वेरियंस हंड्रेड आ गया तो हंड्रेड का स्क्वायर तो so, आ गया थ्री डबल जीरो और फिर डबल जीरो क्लियर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री दो क्वेश्चन बस और हैं चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट जीरो आर दिस वन कंप्यूट द मोमेंट कोफिश ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन मिजोकर्टिक गिव रीजन देखो फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ज़ीरो यानी वी वन समेन एक्स माइनस ज़ीरो बाई एन हमें दे रखा है कितना वन बी टू समेशन एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर बाई एन कितना दे रखा है हमें सेवन बी थ्री समेन एक्स माइनस ज़ीरो का क्यूब बाई एन ये हमें कितना दे रखा है थर्टी एट वी फोर वन फिफ्टी फाइव आप इनको म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश मान सकते हो वेयर एज्यूम्ड मीन को हम लोग क्या ले लेंगे जीरो तो बच्चे देखो म्यू वन डैश इज इक्वल टू वन म्यू टू डैश इज इक्वल टू सेवन म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू थर्टी एट म्यू फोर डैश इजक्ल टू वन फिफ्टी फाइव अब आपको कन्वर्जन फॉर्मूला मैंने लिखवाया था याद है ना म्यू वन ज़ीरो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस मे वन डैश का होल स्क्वायर निकालो तो म्यू टू डैश इज सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर सेवन माइनस वन सिक्स म्यू थ्री निकालेंगे तो म्यू थ्री डैश माइनस समथिंग समथिंग थवा से आप अपना निकाल लोगे म्यू फोर का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है म्यू फोर डैश बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला सब आ जाएगा उसके बाद से मैंने निकाला मोमेंट कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड करटोसिस बीटा वन इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर अपॉन टू का क्यूब करके निकाल लेना और बीटा टू आ जाएगा म्यूफोर अपॉन टू का अब है, इस दे डिस्ट्रीब्यूशन मेजोकार्टिक इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है अगर ये थ्री के इक्वल आ गया तो बोल देंगे यस नहीं आया तो बोलेंगे नो no, नॉट मेजोकार्टिक थ्री के इक्वल नहीं आएगा तो बच्चे हम बोलेंगे नॉट मेजोकार्टिक क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव उसके बाद से आपके डिवोर बुक का असाइनमेंट लिया है मैंने अभी तक तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से ये कमेंट किया था आगे के क्वेश्चंस आपके डिवोर बुक के हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ध्यान रखना फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द फर्स्ट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट एंड टू बीटा कोफिशेंट्स अरे ये नहीं करने वाले ये तो आप लोग खुद करोगे ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है फाइव फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अब x निकालेंगे बच्चे देखो आपको क्या क्या निकालना है x की वैल्यू आप निकाल लोगे मिडिल वैल्यू करके जैसे 45, 55, 65, 75, 85। अब आपको एफ एक्स निकालना है एफ एक्स आप अपना करके निकाल लोगे 125 ट्वेंटी फाइव एफ एक्स कितना आ रहा है मीन फिफ्टी फाइव आ रहा है ठीक है तो अब आप x- माइनस एक्स मीन भी करके निकालोगे फिर f से मल्टीप्लाई करते ना डायरेक्ट f से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा रुक जो रुक जो इसी में एडजस्ट करते हैं जस्ट अ मिनट तीन कॉलम बनाना पड़ेगा वन टू थ्री इधर कर देंगे एफ़ एक्स इधर कर देंगे एक्स माइनस एक्स मीन और इधर कर देंगे एफ़ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन एफ़ एक्स में आ गया वन ट्वेंटी फ़ाइव जो भी समेशन आया फिफ्टी फाइव अब हर एक्स में से फिफ्टी फाइव आपको माइनस कर देना है कितना हो जाएगा बताओ तो जैसे ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टी फ़ाइव माइनस थर्टी थर्टी फाइव माइनस फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी माइनस टेन ज़ीरो टेन ट्वेंटी थर्टी अब आप एफ़ इंटू ये कर दोगे माइनस वन फिफ्टी सबका सम तो आएगा ही सुनो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर यहाँ आएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल क्यूब यहाँ आएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल फोर और यहाँ आएगा समेशन एफ तो आपके पास फर्स्ट मोमेंट निकलेगा समेशन एफ एक्स एफ एक्स माइनस एक्स मीन का अपॉन समेशन एफ जो कि ज़ीरो आ जाएगा उसके बाद से आएगा म्यू टू समेशन एफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाय समेशन f निकल जाएगा दिस अपॉन दिस फिर आप निकालोगे म्यू थ्री समेन एफ x माइनस एक्स मीन का होल क्यूब बाई समेशन f निकल जाएगा ये हिस्टोग्राम वाले में क्वेश्चन आ सकता है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फाइंड विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज दिस इज इट स्क्यूड इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये सारा काम आपको करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स मिन का फोर अपॉन समेशन एफ जब चारों आ जाएगा उसके बाद से बीटा वन का तो फॉर्मला आपको आता है म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब यहाँ से इस पता लग जाएगा और बीटा टू हो जाएगा म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर यहाँ से कर्टोसिस पता लग जाएगा ठीक है बच्चे तो ये इतना हम लोगों ने आज कर लिया और बताओ तो जरा कि आज का क्लास का नंबर कौन सा था थर्ड क्लास थी आज हमारी तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास फोर्थ चैप्टर वन का असाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होनी चाहिए जैसे हिस्टोग्राम के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं तो हेडिंग होगा हिस्टोग्राम और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन जो हमारे असाइनमेंट में है ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे टोटल इसमें टेन क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें कुछ प्रूफ्स वाले भी हैं लास्ट के एक तीन प्रूफ्स वाले हैं ये सब भी हम लोग करेंगे ठीक है बच्चे तो आज के क्लास में इतना ही अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना असाइनमेंट और उसके बाद से फिर चलेंगे पी पी पे तो अभी तक के लिए इतना ही फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय बाय